जहानाबाद जिले के सिकरिया ओपी क्षेत्र के मांदे बिघा गांव में गेहूं निकालते समय थ्रेशर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कलुआचक गांव निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि वो गांव के बधार में थ्रेशर मशीन से गेहूं की दौनी कर रहा था, तभी अचानक उसका गमछा थ्रेशर में फंस गया, जिससे वो हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच पड़ताल कर उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण ने बताया कि मृतक मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। भाड़े पर गेहूं काटने गए थे, उसके दरमियान में थ्रेशर में गमछा फंस जाने के कारण उनका। कहां पर ये घटना घटी है? मांदे बिहा के बगल में बधार में गेहूं काट रहे थे। क्या नाम है इनका? मनोज कुमार। क्या अपना गेहूं काट रहे थे या किसी मजदूर? भाड़े पर। कहां से पता चला आप लोगों को? पता चला वो वहां से बधार में काटने के बाद हल्ला गुल्ला होता है, तो हल्ला तो देहात में हो जाने के कारण बहुत से आदमी देहात में जुड़ जाते हैं ना, इसी कारण हम लोग घर पर थे तो पता चला, तो हम लोग हॉस्पिटल आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रकाश चंद्र सवनी यादव। मृतक का क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। कौन गांव के निवासी है ये? कलुआचक। कलुआचक कौन थाना पड़ता है? थाना पड़ता है करोना ओपी हो गया सिकरिया।